हेलो एवरीवन, काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि आपके साथ बात करें। हमारा कुछ काम था जो भी पेंडिंग था, तो अभी इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। तो मैंने सोचा कि हम वापस आपके साथ बात कर पाए और आपके साथ शेयर कर पाए कि हम और क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और जिसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि क्विंटेसेंस क्लासेस हमारे कश्मीर का हमारा खुद का एक ब्रांड है जो आज से कुछ साल पहले शुरू किया हमने, जिसमें हमारे खुद के कश्मीर के लड़के, जम्मू के हमारे दोस्त, हम उन्होंने उनकी हेल्प से, उनकी कोऑपरेशन से एक ऐसा इंस्टीट्यूट हमने बना लिया जिसमें आज अगर आप देखें कि इस लेवल की सर्विसेज और इस लेवल का वैल्यू हाल ही कोई क्रिएट कर पाता है एट एनी रीजनल सेंटर। बल्कि मैं तो कहूँगा कि क्योंकि मैं आई बीन टीचिंग इन दिल्ली फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स नाउ, तो वहाँ पर भी जो भी लैक्यूनर्स हमने देखे कोर्सेज में, जो भी हमने प्रॉब्लम्स देखी, वो सब कुछ हमने दूर करी है। आप किसी से भी पूछें जो यूपीएससी की फ्रेटर्निटी से है, आपको बताएंगे कि जो रीजनल सेंटर्स है, रीजनल सेंटर्स कितना कॉम्प्रहेंसिवली ये सिलेबस कवर कर पाते हैं, कितना कॉम्प्रहेंसिवली बच्चे को गाइड कर पाते हैं। एंड ये बड़ा ही फसाद क्रिएट किया गया है। ऐसे ही एक मिराज है, बच्चे को लगता है कि उसको सारी चीज़ें जो है कश्मीर से बाहर ही मिलेंगी, पर आज वो ज़माना नहीं है। हम बाहर से कश्मीर आ रहे हैं और हमारे बच्चे कश्मीर से बाहर जा रहे हैं, और हम ये जो है ये माइग्रेशन, इसको रिवर्स करना चाह रहे थे। बेसिकली वही हमारा इनिशिएटिव था और उसमें काफ़ी हद तक हमने काम किया, बड़ी मेहनत की। हमारे कितने सारे टीचर्स हैं, कितने सारे दोस्त हैं, सबने मिलकर बहुत ही सारा एफर्ट दिया, जिसकी बिना पर हम आज वी वन ऑफ द लीडिंग सेंटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अब कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारे इनहेरेंटली हमारे कोर्सेज में जो हम चाह रहे थे कि हम दूर करें, बट थोड़ा फंडिंग का क्राइसिस, कभी रिसोर्सेज का क्रंच, उसके चलते ये काफ़ी डिले होता गया। बट फाइनली आज से 3-4 महीना पहले हमने एक पोल कंडक्ट किया था हमारे बच्चों के साथ, जो भी हमारे आईएएस के स्टूडेंट्स हैं। मल्टीपल बैचेस में हमने पोल कंडक्ट किया जिसमें हमने बच्चों से सजेशंस ली कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अपनी प्रिपरेशन में ज़रूरत है फर्दर। एक तो हो गया आपका कोर्स कंप्लीशन हो, दूसरा हो गया आपका सिलेबस कंप्लीशन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कराया जाए, आपके टेस्ट हो, आपको इवेलुएशन करके दे दे, वो तो हर हर कोई ही करता है। तो पोल में हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं आउटकम्स मिले, कुछ रिजल्ट ऐसा मिला जो हमें लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सजेशंस है, इस पे काम करना चाहिए। तो उसमें वन ऑफ द सजेशन वाज कि वी शुड हैव अ डेडिकेटेड सेशन फॉर आंसर राइटिंग। तो एक तो हो गया आंसर राइटिंग आप करा रहे हैं, फाउंडेशन की क्लास में आंसर राइटिंग नहीं हो पाता है। जैसे जिसको भी पता है उसको पता है कि भाई फाउंडेशन जब कंप्लीट हो गया होता है, आपने सिलेबस पूरा कवर कराया होता है, उसके बाद आप आंसर राइटिंग के कुछ एडवांस सेशंस देते हैं तो जल्दी जल्दी 7-7 दिन में एक एक कंपोनेंट खत्म हो जाता है। पर बच्चे को पहले से ही फाउंडेशन से ही आंसर राइटिंग की वो मज़ा, वो टेस्ट उसको दिखाना, उसके डूज एंड डोंट्स बताना, उसका स्ट्रक्चरिंग बताना, उसमें कीवर्ड्स बताना, हर एक सवाल उसको करके दिखाना, उससे करवाना, उसमें एक लंबा प्रोसेस है, वो 8-10 महीने का प्रोसेस है। तो हमने सोचा कि ये बहुत अच्छी सजेशन है और पायलट बेसिस पे लास्ट मंथ ही हमने वो शुरू कर लिया था, क्योंकि हमें कुछ डेटा चाहिए था, हमें देखना था कि कैसा पार्टिसिपेशन रहेगा, क्या उसमें हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो पायलट बेसिस पे हमने वो किया था और अब जो है वो एक फुल फ्लेश्ड कंपोनेंट बन गया है। आज अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट आएंगे, हमारे स्टूडेंट से बात करेंगे, आपको पता चलेगा आंसर राइटिंग का एक डेडिकेटेड क्लास रोजाना हमारे सब बैचेस में होता है, जो आईएएस के बैचेस है हमारे, जिसमें जो भी जीएस का कंपोनेंट पहले चलता है, उस जीएस के कंपोनेंट के तुरंत बाद उसी कंपोनेंट का आंसर राइटिंग का क्लास होता है, जो एक आंसर राइटिंग की जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो कवर कराती है। तो आपको पहले आंसर राइटिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स है वो सब कुछ बताकर, उसके उसके आइडियाज बताकर, देन दे टेक अप अ क्वेश्चन। फिर बच्चे को 5-10 मिनट दिया जाता है, उसके बाद वही क्वेश्चन वो सॉल्व करते हैं बोर्ड पर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था, काफ़ी बच्चों को फायदा मिला इससे, जो भी सीरियस स्टूडेंट है, बेसिकली सीरियस स्टूडेंट्स को बहुत 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 फायदा हुआ है हमारे इस इनिशिएटिव से। और वी थैंक आवर फैकल्टी एंड एक्सपर्ट्स जिन्होंने इस पर बड़ी मेहनत की है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट सजेशन था जो हमारे ग्रुप ने भी पुट फोर्थ किया था, दैट वाज करंट अफेयर के डेडिकेटेड सेशंस। वो भी हमने लास्ट मंथ पायलट बेसिस पे शुरू किया।
उसका भी हमारा फुल प्लान है कि जैसे कि आंसर राइटिंग के डेडिकेटेड सेशंस हमें शुरू कर लिए, वैसे ही करंट अफेयर के डेडिकेटेड सेशंस भी कराए जाए। उसमें एक तो करंट अफेयर हम खुद करा लेते हैं, जैसे कोई जो टीचर आपका जो पढ़ा रहा है वो आपका इकोनॉमी पढ़ाता है, पॉलिटी पढ़ाता है, वो अपना करंट अफेयर तो खुद ही कर लेता है। लेकिन दूसरा हो गया न्यूज़पेपर पढ़ाना, वो वाला करंट पढ़ाना, बाकी हो गया सब्जेक्ट का करंट, वो तो अपना अपना टीचर खुद कर लेता है। न्यूज़पेपर पढ़ाना, न्यूज़पेपर में कौन से आर्टिकल है उसको इसमें से कैसे उठाना चाहिए आपको, कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको निकालने चाहिए, कैसा डेटा आपको तैयार करना चाहिए, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हम करंट अफेयर में हमने लास्ट ईयर लास्ट मंथ शुरू की और उसको हम अब फिर से फुल फ्लेज बेसिस पे आगे बढ़ाएंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज था वो था नोट मेकिंग का, कि बच्चों को नोट मेकिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो अभी भी वही यूनिवर्सिटी और 10th 12th क्लास के ही नोट बनाते हैं, तो एक मॉडर्न तरीके से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कौन से नोट्स चलते हैं, तो नोट मेकिंग के एक सेशंस कुछ हमने कराए लास्ट टाइम, उसको आगे भी कराने का पूरा हमारा आइडिया है कि कैसे हम नोट मेकिंग बच्चे को पहले से ही सिखा ले कि कैसे नोट्स बनाने हैं जो आपको प्री और मेंस में दोनों में फायदा मिले। चौथे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अब हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कराना। जैसे कि एक तो हो गया टीचर अपना जब कंटेंट पढ़ाता है, लेक्चर्स देता है, वो लेक्चर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कवर कराता ही कराता है वो, मगर डेडिकेटेडली बच्चे को बताना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कैसे होता है, कैसे आपको प्री का एनालिसिस करना है, कैसे आपको मेंस का एनालिसिस करना है, कैसे आपको थीम्स निकालनी है, कैसे उन थीम्स का डायमेंशन निकालना है, कैसे आप प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन निकाल सकते हैं, तो ये सारी चीजें इसका एनालिसिस कराना, ये हम अपने नेक्स्ट बैच से शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही देयर वाज वन मोर डिमांड बाय आवर स्टूडेंट्स कि सर हमें यहाँ पर एक फुल फ्लेज्ड लाइब्रेरी का सर्विस होना चाहिए, लाइब्रेरी का क्या कह सकते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पर हम क्लास खत्म करके अपनी लाइब्रेरी जा सके, वहीं पर शाम तक पढ़ सके, हमें ये अलग अलग लाइब्रेरी में जाकर यहाँ से दूर पड़ जाता है और माहौल भी वहाँ अलग होता है, कुछ दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर अपने ही बच्चे होंगे और अपने ही स्टूडेंट्स होंगे अपनी ही लाइब्रेरी में तो एक माहौल अच्छा बनता है, कोऑपरेशन का माहौल होता है, दोस्ती का माहौल होता है, वो भी हमने शुरू कर लिया। हम अपनी लाइब्रेरी अपने नेक्स्ट बैच से अनाउंस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने अपने नेक्स्ट बैच में अब शुरू करनी है, जिसमें हमारा जो बैच शुरू हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड ऑन 10th of July। और जो भी बच्चे अब जुड़ना चाहते हैं, आपके पास अच्छा खासा महीना है, आप अपनी पूरी तैयारी करें, अपने घर वालों को समझाएं कि आपको कम से कम 1-2 साल का समय दें जहां पर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सके और आगे बढ़ सके और अपना ख्वाब पूरा कर सके, और उनको बताना ये भी समझाना है कि ये एग्जाम ऐसा है, ये 1-2 साल का खेल नहीं है, इसमें बस 1-2 साल में सिलेबस ही कवर होता है, उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव आता है, पर आप कहीं पर भी सेटल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको सिविल सर्विस ही करना है, पर हाँ सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना मेरी नज़र में इंसान को बहुत ज़्यादा बसीरत देता है, बहुत ज़्यादा विजन देता है उसको अपनी लाइफ में। तो अब ये बैच आप हम अगले महीने शुरू करें 10th of July से, जो भी फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस में है, जो चाहते हैं कि हमारे पास आए, हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस में हमारे साथ हार्ड कोर स्टडीज़ करे, 14-15-16 महीना अपना सिलेबस कंप्लीट कराए, आंसर राइटिंग सीखे हमसे, नोट मेकिंग सीखे, प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस सीखे, पर्सनैलिटी बनाए अपनी, वो सब आप जो है, लेकिन जो फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस में है उनके लिए एक स्कॉलरशिप भी रखा है जो 7th of July को रखा है। आप प्लीज़ आए, इस वीडियो के साथ ही इसका एक नंबर भी होगा, उस पर कॉल करें, एक गूगल फॉर्म होगा वो फिलअप करना है आपको, एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड होना है, उसी में वो गूगल फॉर्म का लिंक आएगा, उसमें अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, वहाँ पर फिर आपको 7th को बुलाया जाएगा, 7th of July को आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, बेस्ड ऑन कि आपका मेरिट कैसा है, आपका आप में सलाहियत कैसी है, इंस्टीट्यूट आपको फी में रिलैक्सेशन देगा ताकि आपके लिए चीज़ आसान हो जाए, आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए, तो वो भी हम कर रहे हैं 7th को। और 7th के तुरंत बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस पहले शुरू होंगे जहां पर हम आपको ओरिएंटेशन देंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट देंगे कि यूपीएससी क्या है, कैसे कवर करना है, वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लासेस में 2 दिन कवर कराई जाएंगी। उसके बाद 10th of July से आपका एक्चुअल क्लास शुरू होगा, तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, जो भी अभी नए नए बच्चे हैं, जो भी 10th 12th पास करके आए हैं या अभी ग्रेजुएशन में है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, खास तौर पर उनको बता रहा हूँ मैं, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको 2 साल का समय चाहिए अपने लिए, आप वो 2 साल का समय लें और अपनी तैयारी फुल ऑन तरीके से करें। उसमें हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन फैसिलिटी भी देते हैं, आपको ऑनलाइन में भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, कभी आपको घर जाना पड़े तो ऑनलाइन से क्लासेस कर सकते हैं आप,
provided the fact कि आप हमारी सारी conditions fulfill कर रहे हैं. And we are very strict with the students. आपको आपको कोई भी बता देगा जो भी institute, अगर आप आएंगे हमारे students से बात करेंगे, कितना टाइम समय बैठना है आपको क्लास में, आप क्लासेस इंश्योर करना है, तीन चार दिन अगर ऑफ हो गया आपको डायरेक्टली वी इंटीमेट योर पेरेंट्स की ऐसी बात है. तो ये सब कुछ है, थोड़ा हार्डकोर कोचिंग का माहौल है. तो उस माहौल में अगर आप आना चाहते हैं प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट आवर मैनेजमेंट. वो आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि कैसे ये मैकेनिज्म आगे बढ़ाना है. उसमें आपके जितने भी क्लास जितने भी क्वेश्चन होंगे आप हमारे टीम के साथ बात कर सकते हैं. वो सारे क्वेश्चन वो आपका आपके डाउट्स क्लियर कर लेंगे. तो दिस वॉज अ मैसेज फ्रॉम मी. आई होप आपको फायदा हो और वी प्रे कि आप बहुत सक्सेसफुल बने अपनी जिंदगी में. थैंक यू सो मच.